Okay, so in part one we have discussed that Ben come when Tom was doing painting. Ben comes and he offered his apple to Tom, है ना? Ben आता है और अपना apple offer करता है किसको? Tom को. But what was the condition? Condition is Ben wanted to try to paint the fence. Ben try करना चाहता था, fence को paint करना चाहता था. So ये condition लगाई थी यहाँ कि आप मेरा apple ले लो और बदले में मुझे क्या करने दो? Fence को paint करने दो. Let's start now. Tom sits munching the apple while Ben works. टॉम बैठ जाता है एंड मंचिंग. मंचिंग होता है जब आप किसी चीज़ को खाते हैं तो साउंड जो आती है ना, आवाज़ आती है, दैट इज़ मंचिंग. तो टॉम बैठ जाता है और एप्पल मंचिंग करता है वाइल बैन वर्क्स, और जो बैन है वो काम करता है. सून बिली कम्स अलोंग, और बहुत ही जल्दी थोड़ी ही देर के बाद बिली भी आ जाता है. बिली, वाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बैन? नाउ बिनी बिली इज़ आस्किंग टू बैन कि आज हॉलीडे है, तुम काम क्यों कर रहे हो? बैन प्राउडली, तो बैन प्राउडली कहता है गर्व के साथ, आई एम नॉट वर्किंग, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ स्किल, कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये क्या है? ये तो स्किल का टेस्ट है. स्किल क्या था? एबिलिटी, जब आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो, दैट इज स्किल. ठीक है. बिली, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स इजी. तो बिली ने कहा नहीं, ये तो बहुत आसान है. बेन, ओ नो, एवरीबडी कैन डू इट. तो बेन कहता है ओ नो, क्या सब ये कर सकते हैं? सबको आता है. एवरीबडी कैन डू इट बट टॉम थिंक्स दैट आई कैन. लेकिन टॉम को तो लगता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ. बिली प्लीज, बिली कहता है प्लीज़ टॉम लेट मी ट्राई. तो बिली कहता है टॉम को, प्लीज़ टॉम मुझे ट्राई करने दो. डू गिव मी अ चांस, मुझे भी एक मौका दो. टॉम थॉटफुली, तो थोड़ा सोचने के बाद टॉम कहता है आंट पोली ट्रस्ट मी टू पेंट द फेंस वेल. आंट पोली ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है कि मैं फेंस को अच्छे से क्या करूँगा पेंट. बेन हैज़ डन इट क्वाइट वेल, बेन ने अच्छा किया है. आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बिली, लेकिन टॉम कहता है बिली तुम्हारे बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम काम कैसा करोगे, तुम कैसा फैंस को पेंट करोगे. आई एम नॉट श्योर. बिली, आई विल गिव यू दीज मार्बल्स टॉम इफ़ यू लेट मी पेंट. तो यहाँ बिली कहता है टॉम अगर तुम मुझे पेंट करने दो तो मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? अपने मार्बल्स दे दूंगा. मार्बल्स क्या होते हैं? वो कंचे होते हैं ना जो खेलते हैं. तो कहा बिली ने कि मैं तुम्हें अपने क्या दूंगा? मार्बल्स दूंगा. टॉम कहता है ऑल राइट बेन, गिव बिली द ब्रश. तो टॉम कहता है बेन ठीक है, तुम अपना ब्रश किसको दे दो? अब बिली को दे दो. अ लिटल लिटल, थोड़ी ही देर के बाद जोनी कम्स अलोंग. वहाँ पर कौन आता है? जोनी. जोनी आता है तो टॉम इज़ प्लेइंग विद मार्बल्स. उस समय टॉम जो था वो खेल रहा था उन कंचों के साथ, मार्बल्स के साथ. वाइल बिली इज़ पेंटिंग, जबकि जो बिली था वो पेंटिंग का काम कर रहा था, उसमें व्यस्त था. तो जोनी कहता है वाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बिली, कि बिली आज छुट्टी है, वाई आर यू वर्किंग. तो बिली कहता है दिस इज़न्ट वर्क, ये काम नहीं है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्किल. इफ टॉम थिंक्स यू कैन डू इट वेल देन ही विल लेट यू पेंट. अगर टॉम को लगा कि तुम ये काम अच्छा कर सकते हो तो टॉम जो है तुम्हें भी परमिशन दे देगा ये काम करने की. जोनी कहता है टॉम प्लीज़ लेट मी पेंट टू. जोनी कहता है टॉम प्लीज़ मुझे भी पेंट करने दो. आई विल डू इट वेल, मैं भी अच्छा करूँगा. यू विल सी, तुम देखना. हियर यू कैन टेक माई न्यू बॉल, और तुम ये मेरी न्यू बॉल रख सकते हो और मुझे क्या करने दो? पेंट करने दो. तो बेन ने क्या दिया था? एप्पल. बिली ने क्या दिया? मार्बल्स. और जोनी ने क्या दिया? न्यू बॉल. टॉम वेरी सेटिस्फाइड, बिली यू कैन गिव द ब्रश टू जोनी. तो बहुत संतुष्ट होकर, हैप्पी होकर टॉम कहता है बिली अब तुम अपना ब्रश किसको दे दो? जोनी को. लेट हिम पेंट द फेंस नाउ, अब उसको फेंस को क्या करने दो? पेंट करने दो. टॉम हैज़ अ गुड आइडल टाइम एंड द फेंस हैज़ 3 कोट्स ऑफ पेंट ऑन इट. टॉम का जो टाइम था वो बहुत अच्छे से निकल गया, उसने एंजॉय भी किया, काम भी हो गया, फेंस भी पेंट हो गया. और फैंस को कितने कोट लगाए गए? 3 कोट्स लगाए गए. ये कोट्स क्या होता है? आप जब एक बार किसी चीज़ को पेंट करते हो तो उसको सूखने दो, उसको सूखने के बाद उसके ऊपर डबल पेंट करते हो, फिर उसको सूखने दो,
फिर उसके ऊपर आप थर्ड टाइम पेंट करोगे, तो इसको यहाँ बोला गया है कोट, ठीक है। तो पेंट को सॉरी फेंस को तीन कोट लगाए गए पेंट के। ही रन्स इनसाइड टू टेल आंट पोली, तो वो भाग कर अंदर जाता है आंट पोली को बताने के लिए। टॉम इट्स ऑल डन, तो टॉम ने कहा आंट पोली को सब हो गया है, शैल आई गो एंड प्ले नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ खेलने के लिए। आंट पोली टॉम डोंट लाई टू मी, लाई मीन्स झूठ। आंट पोली ने कहा टॉम मुझसे झूठ मत बोलो, आई कांट बियर इट, मैं झूठ नहीं सुनूंगी, बर्दाश्त नहीं करूँगी, आई विल नॉट टॉलरेट। हाउ मच हैव यू डन, कितना किया है तुमने। तो यहाँ दो क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। हु पेंटेड द फेंस लास्ट, सबसे लास्ट में फेंस को किसने पेंट किया था, जोनी ने। हाउ मैनी कोट्स ऑफ पेंट डिड द फेंस गेट, फेंस को कितने कोट लगाए गए थे पेंट के। यस, कितने, थ्री कोट्स लगाए गए थे। और लास्ट में किसने लगाया था, लास्ट में जॉनी आया था, जॉनी ने लगाया था। टॉम आई एम नॉट लाइंग आंट, टॉम कहता है आंट मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इट्स ऑल डन। तो आंट पोली गोज आउट टू सी फॉर हरसेल्फ, तो आंट पोली जो है खुद से देखने के लिए जाती हैं। शी फाइंड्स द एंटायर फेंस पेंटेड, और उन्होंने देखा कि जो पूरी की पूरी फेंस है वो पेंट हो चुकी है। टॉम देन गोज आउट टू प्ले, उसके बाद टॉम अपने तीनों दोस्तों के साथ बेन बिली और जोनी के साथ खेलने के लिए चला जाता है। दिस इज द स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर बाय मार्क ट्वेन, तो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर ये नॉवल था जिस नॉवल में से इस स्टोरी के पार्ट को लिया गया है।